सुशांत सिंह राजपूत बिहार का और भारत का एक चमकता हुआ सितारा 13 जून को कथित तौर पर सुसाइड कर लिए। कथित तौर पे इसलिए कि प्रथम दृष्टया गर्दन पे वो जो रस्सी होता है उसी की का फोटो सर्कुलेट हुआ है न्यूज द्वारा, तो हम लोग तो प्रथम दृष्टया ऐसा ही कह सकते हैं। लेकिन परिवार वालों ने जांच की मांग की है सीबीआई, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा समझते हैं कि किस प्रकार एक बिहार का लड़का जाता है मुंबई में अपना नाम करता है और किस प्रकार नेपोटिज्म से भरी हुई बॉलीवुड में अपना स्थान बनाता है और सुपरहिट फिल्में देते हैं, और फिर माँ बाप का इकलौता बच्चा कैसे एक मानसिक दबाव कहें या कुछ क्या कहें, जब तो अभी तो सामने आना बाकी है, उसके कारण 34 वर्ष की मातृअवस्था में सुसाइड कर लेता है। हम लोग आए दिन न्यूज़ सुनते हैं कि आईआईटी में नहीं हुआ तो ये हो गया, आईआईएम में नहीं हुआ तो ये कर लिया। क्यों नहीं ख्याल आता है अपने माँ बाप का जिन्होंने इतना प्यार दुलार से पाल करके इस काबिल बनाया है? क्या जिंदगी के ये छोटे छोटे एग्जाम, ये प्यार मोहब्बत, ये छोटे छोटे रिलेशनशिप कौन क्या कहता है, कैसे कहता है, वो हमारे जीवन से ज़्यादा कीमती है। भाड़ में जाए साला घंटा फर्क नहीं पड़ता है किसी के बात का। हमको ये सोचना चाहिए कि जो ये मेरी जिंदगी है हमको इसको अपने अनुसार जीना है। अब 50 ठो ख्वाहिशों का लिस्ट तो रखा हुआ है सुशांत सिंह राजपूत के कमरे में मिला है, अब उसका क्या होगा? वो कभी भी जिंदगी में पूरा हो पाएगा? कभी नहीं। जानते हैं हम थोड़ा सा सुशांत सिंह राजपूत के जीवनी के बारे में, तो उनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था 21 जनवरी 1986 को उनका बर्थडे था, ठीक है, और 13 जून 2020 को सुसाइड अटेम्प्ट कर लिए। वो हाइट था करीब 5 फीट 10 इंच और वेट था करीब 70 kg, ठीक है, आई कलर ब्लैक था और हेयर भी थे वो भी काले थे, ठीक है। फूड हैबिट बता क्या था, तो नॉन वेजिटेरियन खाना पसंद करते थे। हॉबीज में था डांसिंग, एक्टिंग और वॉचिंग मूवी और लिसनिंग म्यूजिक था, ठीक है। फैमिली मेम्बर में 4 बहनें थीं और एक पिताजी थे जिसमें माँ का पहले ही निधन हो चुका था और एक बड़ी बहन का 2-3 साल पहले निधन हुआ था, तो 3 बहनें अभी थीं और उनका मैरिटल स्टेटस अनमैरिड थे वो, ठीक है। फर्स्ट रिलेशन अंकिता लोखंडवाल से था जो कि कुछ दिन के बाद टूट गया था, अभी वो भी किसी चतुर्वेदी लड़की नाम की थी, उसके साथ रिविन में रह रहे थे और 2 दिन पहले ही उन्होंने उसको घर जाने के लिए बोला था। फेवरेट फूड में राजमा चावल, आलू पराठा और चिकन था उनका, ठीक है। फेवरेट एक्ट्रेस तब्बू थी और फेवरेट एक्टर में थे हॉलीवुड के जेम्स डीन और बॉलीवुड के शाहरुख खान। फेवरेट मूवी थी उनकी जो गुरुदत्त साहब थे उनका, उनकी फिल्म थी जो प्यासा वो थी, और उनका फेवरेट कलर था ब्लैक। फेवरेट बाइक बीएमडब्ल्यू थी। समझिए, एक बच्चा, एक लड़का, एक युवा इतना कमाता है, इतना पैसा, इतना नाम, और एक दबाव की परिस्थिति अपने अंदर की बातें किसी के सामने लाए बिना दुनिया से चला जाता है। कैसा हो गया है हमारा देश, कहने को फेसबुक पे इधर उधर हजारों दोस्त होते हैं, किसी से मन की भड़ास निकालने वाला कोई अपना कहने वाला नहीं है। फेसबुक पे 50 हजार 5 हजार फ्रेंड मिल जाएंगे और मम्मी पापा से, भाई बहन से हाल चाल लेना कोई जरूरी नहीं समझता है। समझिए, अकेलापंती, एकांत आदमी खुद बनाया है। एक माँ बाप भी कैसे हो गए हैं कि बच्चा कहे तो कहे किससे, वो तो दिन भर में काउ 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 किच 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 मोबाइल पे करते रहते हैं, तो कहे आदमी किससे बात, अपने मन की भड़ास, छोटी छोटी खुशियां जब तक नहीं आदमी अपने को पूरा करेगा, अपने डिजायर्स को, छोटी छोटी खुशियों को, तब तो बड़ी खुशी जब उसको जो उसका लक्ष्य है बड़ा वो मिल भी जाएगा तो उसको संतुष्टि नहीं होगा। और सबसे ज्यादा जरूरी है समझना चाहिए कि आत्मसंतुष्टि, अपना परिवार, अपना जो है वही सब कुछ है, कितना कायराना हरकत माना जाता है इसको। हमारे धर्म शास्त्रों शास्त्रों से लेकर के कानून में भी इसके प्रति बहुत बुरा बात कहा गया है कि हम कभी उस हंसते हुए चेहरे की ये दुर्गति होगी ऐसा सोच सकते थे? सपने में भी नहीं सोच सकते थे। लाखों लाखों लड़के लड़कियां दीवाने थे सुशांत सिंह राजपूत के, रोल मॉडल थे, ये हाल हो गया है, क्या कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि फर्स्ट जो उनकी रिलीज मूवी थी वो काई पो छे थी, 2013 में रिलीज हुई थी, और लास्ट जो उनकी मूवी आई थी वो कुछ दिन पहले ही छिछोरे आई थी, ठीक है। उनका जो फर्स्ट जो सीरियल था
टीवी सीरियल वो का किस देश में है, दिल में ये मेरा था, और फर्स्ट अवार्ड जो मिला था वो 2013 में मिला था, बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड का नॉमिनेशन मिला था। क्या बात करें आगे, इतना ब्राइट करियर, खत्म। माँ बाप का इकलौता लड़का, कितना प्यार दुलार से पाले होंगे सब लोग, कितना हंसमुख चेहरा। खैर, अब इतिहास के पन्नों में, हत्या है, मर्डर है, सुसाइड है, कुछ भी हो, क्या कर सकते हैं, तो चला गया जाने वाला। ठीक है, पिता का क्या हाल हो रहा होगा, जिसका जिसको अपने जवान बेटे को अग्नि देना पड़ता होगा, कोई भी उस स्थिति का कल्पना नहीं कर सकता है, सोच के भी रूह कांप हो जाती है, सब जो रोम कूप है वो खड़े हो जाते हैं। ठीक है, आए कुछ बोलना बेकार है, वीडियो को ख़त्म करता हूँ इस पर।